أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. صدق الله العظيم <applause> आयात का तर्जुमा ये है अरब तू जमा करने वाला है लोगों को एक दिन जिसमें कुछ शुबा नहीं बेशक अल्लाह ख़िलाफ़ नहीं करता वादा बेशक जो लोग काफिर हैं हरगिज काम ना आवेंगे उनको उनके माल और ना उनकी औलाद अल्लाह के सामने कुछ और वही हैं ईदन दोजह के जैसे दस्तूर फिर वालों का और जो उनसे पहले थे जुटलाया उन्होंने हमारी आयतों को फिर पकड़ा उनको अल्लाह ने इनके गुनाहों पर और अल्लाह का आज़ाब सख्त है ये चंद आयात हैं पहली आयत का तर्जमा रह गया दोबारा कर लेता हूँ अः रब न फेर हमारे दिलों को जब तू हमको हिदायत कर चुका और इनायत कर हमको अपने पास से रहमत तू ही सब कुछ देने वाला है तो पिछली आयत में से कुछ बयान हो चुका था पिछली आयत में कुछ हिस्सा कल के दर्स का रह गया था और राम यू ना आमन्ना भी कोबिना और जो इल्म में मजबूत लोग हैं तो असल में मतशा के बारे में गुफ्तु कल चल रही थी तो जो टेढ़े मिजाज वाले लोग हैं टेढ़े अकल वाले टेढ़ेपन के लोग हैं वो तो मतशाबहत के पीछे पड़ते हैं उनकी तो मजम्मत की गई लेकिन जो लोग क्या है पुख्ताकार हैं और मजबूत इल्म वाले हैं अक़्ल सलीम वाले हैं उनकी अल्लाह ताला ने तारीफ़ फरमाई है कि जो लोग पुख्ताकार हैं वो यही कहते हैं आमन्ना बिही कि हम इन आयात मतशाबहत के साथ ईमान लाएँ हर एक अल्लाह की तरफ़ से मकसद ये है कि इसके हकीकी मफोम के पीछे हम नहीं पढ़ते और इसके हकीकी मफहम चूँकि अल्लाह तारा ने अपने लिए ख़ास कर लिया है इसलिए हम इसकी खुरेद खुद कुरेद में भी नहीं पढ़ते इसके दर दरपे भी नहीं होते जो मफोम सही है वो बस बस हक है और हमारे रब की तरफ से है बस इतना ईमान लाते हैं तो गोया वो मुतशाब के पीछे नहीं पड़ते और आगे ये फरमाया हमारा उलब जी नई नसीहत हासिल करते मगर अकल वाले और फिर उसके बाद फरमाया कि जिसको अकल होता है वो नसीहत हासिल करता है तो टेढ़े अकल वाले तो शाबियात के पीछे पड़ते हैं लेकिन अकल सलीम वाले और पुख्ता इल्म वाले वो इन आयात पर ईमान ले आते हैं और बस फिर उनकी आगे दुआओं का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो जो राशिक हैं मजबूत लोग हैं जी उन लोगों की ये दुआ भी अल्लाह ताली से होती है कि अल्लाह हमने जो मतशा हैं इनके पीछे हम नहीं पढ़ते और जो हक़ है हम उस पर ईमान लाते हैं तो हमारा ये अकीदा है हमारा ये ईमान है लिहाजा हमारे दिलों को टेढ़ा ना कीजिए जैसे पहले लोगों का दिल टह टे, टेढ़ा था जो हयात के पीछे पड़ते मतशाबहत के इसलिए फरमाएल्ला तु जोलू बना बड़ हदयना अयल्ला जब तू हम इसी दाह पर लगा चुका मुतशा के बारे में ये तो अब हमारे दिलों को टेढ़ा ना कीजिए लेकिन जहाँ दुआ जब इंसान करे तो इस दुआ को पढ़े तो सिर्फ मतशाबहत को मद्नज़र न रखे बल्कि मुतलकन दीन में जहाँ भी जैग है उसके रफ़ा की दुआ करे अल्लाह हमारे दिलों को क्या हिदायत के बाद टेढ़ा न करना आगे ना नामिल्त उनका रहमत और अपनी तरफ़ से हमें रहमत अता कर देना तो ये दुआएँ वो करते हैं इन न कालव हब बेश तो बहुत ही देने वाला है तो ज़ाहिर बात है ये रहमत आएगी तो अल्लाह ताला की सिफ़त वहाब है तो हमें रहमत भी हिबा कर देंगे आगे रबना का ये भी उन्हीं की दुआ का हिस्सा है ऐ रब हमारे बेशक तो लोगों को जमा करने वाला है लियो मिल्ला रफ़ी ऐसे दिन में जिसमें कोई शक नहीं मुराद क़्यामत का दिन है तो मतलब ये है कि इस दिन में तेरा वादा है कि तू हमारी मदद फ़रमाएगा ला युखलिफुल फिल्मिया बेशक अल्लाह ताला जो अपने वादे के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करता तो मकसद ये वो दिन यकीन आने वाला है जब वो दिन आने वाला है तो उस दिन में क्या है ये रहमतें मांग रहे हैं अपने रब से तो बहर यहाँ तक ये मुतशबहत के बारे में क़ा था ये कि मतशबहत के पीछे नहीं पढ़ना है तो लिहाजा असल तो ईसाइयों के शुबे का जवाब था ये कि इबनल रूल्ला कल जो अल्फाज हैं ये मुतशात में से हैं इसलिए ईसीम की उलूियत पर इस्तलाल करना इनकाल से यह दुरुस्त नहीं है आगे न मानने वालों के लिए क्योंकि ईसाई जो थे वो नहीं मान रहे थे अल्लाह ताला की तलोहीत के बारे में उनको पूरा यकीन नहीं था सिर्फ़ अल्लाह ताला की तोहीद को नहीं मान रहे थे अल्लाह ताला के अलावा और भी महबूद बना रहे थे तो उनके लिए तकफीफ़ है कि जब ये आ गया कि महबूद अल्लाह के अलावा और कोई नहीं हो सकता तो अब जो नहीं मानेगा उनके लिए ये फरमाया इिन का फ़रूल तो अमालम मौला उलाद इला शया बेशक वो लोग जो काफिर हैं जी ना तो उनके माल उनके काम आएंगे ना उनके औलाद कुछ काम आएगी जी तो दुनिया में तो चलो माल औलाद है वक्ती तौर पर लेकिन जब अल्लाह का आदाब आ जाएगा दुनिया का या आखरत का जी तो ना माल बचा सकेगा ना औलाद बचा सकेगी आगे फरमाया वो व ये जहन्नम का ईंधन होंगे ये तफरी दुनिया की भी, भी है और साथ साथ भी होगी कि वो आखरत के अंदर है आग का ईंधन बनेंगे आगे तशबीह दी गई कदाब फ़िरौन यानी उनका हाल जो है दा अब हम कदाब ये मुराद है उनका हाल ऐसे होगा जैसे फ़िरौन वालों का हाल है फ़िरौन कंपनी का हाल जैसे था इनका भी यही हाल है जी कि दुनिया में भी उनका हाल क्या था कि अल्लाह की आयात की उन्होंने तकजीब की और आखरत में अजाब में गिरफ़्तार हुए बरसक़ में अजाब में गिरफ़्तार हुए तो इनका भी यही हाल होगा अगर तकजीब पे क्या है बाकी रहे और दीन हक़ की तस्दीक उन्होंने न की इसलिए फरमाया कर अब आयातना उन्होंने हमारी आयात की तकजीब की किसने फ़िरओन ने तो आयात से क्या मुराद है या तो इससे मुराद वो आयात हैं जो अल्लाह ने अपनी अम्बिया की तरफ क्या है भेजी थी आयात मतलब जिनकी तिलावत की जाती मसला पहले अम्बिया पर जो किताबें या शहफ नाजिल हुए और उनके अंदर जो आयात थी वो मुराद हैं यह मुराद है आयातलमनसूबा फ़िलआलम जिनकी कायन के अंदर जो अल्लाह तलामत तोहीद नस्ब कर दिए ये ज़मीन व आसमान पहाड़ दरख्त जो कल में वो बहुत ज़्यादा दलाायल हैं ये आफाक के अंदर जिससे इस्तलाल किया जाता है अल्लाह ताला के वजूद पर और अल्लाह तौहीद पर वो आयात मुराद हैं या अम्बिया की बातें भी मुराद हो सकती हैं जब अम्बिया ने जो उनको तोहीद और तनकी और क़यामत की और दूसरे मसायलोकाम की तब्लीग की है वो भी हो सकते हैं तो बहरअल कर्जूब आयातना हमारी आयात की उन्होंने तकजीब की तो ये लोग भी कर रहे हैं ईसाई भी तो फ़मल्हबनूब तो अल्लाह ताला ने उनको उनके गुनाहों की वजह से पकड़ा जी तो ज़ाहिर बात है जब उनको इस वजह से पकड़ा है तो जब ये अमल ये लोग करेंगे तो फिर इन पर भी अजाब आ सकता है तो इसलिए उनको डराया जा रहा है तो ताकि वो अल्लाह ताला की तौहीद के कायल हो जाएँ और ईसम हज़रत मरियम की और आमरान की इबादत को छोड़ दें और उनको महबूल समझना छोड़ दें वाह शदाकब तो अल्लाह ताला जो है वो सख्त पकड़ने वाला है जी तो यहाँ तक ये मजमून तखफीफ का था वो पूरा हुआ अब उसके बाद कुल लदी का फ़रूस्तोलबूनला जहन्म इस तो आप सल्लास को भी ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम इन लोगों को डराओ इन लोगों को जो तुम्हारी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे जी तो उनको डराओ हो सकता है जी इनका जो है मसला ठीक हो जाए और सही बन जाएं ताकि इनको भी पता चल जाए कि हमने अगर जुटलाया तो जैसे ईसाइयों के लिए है जी इसी तरीके से फिर क्या है हमारे लिए भी हो सकता है कि अगर हमने भी इनकार किया अल्लाह ताला की आयत का जी तो फिर हम भी इसी तरीके से गड़बड़ हो जाएंगे तो गोया आगे फिर उनको नमूना भी दिखाया जा रहा है तो बहरहाल पहले फरमा दिया अफकाफरों से कह दो कि तुम ज़रूर मगलूब हो जाओगे और ये तो है दुनिया के अतबार से तुम्हारा मगलूबीत है और उसके बाद बता जहन्नम और जहन्नम की तरफ तुम्हारा क्या है फिर ठिकाना होगा और वहाँ जमा किए जाओगे तो ये तकवीब की दोनों शक्लें बन सकती हैं सेबूना से इशारा से दुनिया के अंदर मगलूब होने का और तशरुनला जहन्नम से इशारा के आखरत में जहन्नम की तरफ क्या जमा हो जाने का जहन्नम में हाँके जाने का तो इसलिए फरमाकाफरों से कह दो कैफर कैफ़रों से कह दो कि तुम मगलूब होगे और हाँ के जाओगे दोजख की तरफ और क्या बुरा ठिकाना है अब असल यानी बुरा ठिकाना है तो ज़ाहिर बात है जहन्नम बुरा ही ठिकाना है जी तो इसमें दोनों तकलीफ़ें जमा की गई हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, ताला इन आयत के मुताबिक के अक़ायद बनाने की हम सबको तौफीक नसीब फ़रमाए वाखिर दावाना रब्बिल आलमीन